नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट की शर्मनाक हार के बाद बॉक्सिंग डे मैच से भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालने वाले उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट की उनकी शतकीय पारी बेहद खास रहेगी, क्योंकि इससे सीरीज में जीतने का रास्ता खुला। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 112 रन बनाने के बाद रहाणे ने हालांकि कहा था कि लॉर्ड्स मैदान पर 17 जुलाई 2014 को खेली गई शतकीय पारी उनके करियर की बेस्ट पारी है। इस 32 साल के खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें मेलबर्न की अपनी पारी के महत्व के बारे में तब पता नहीं था, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 2-1 सीरीज जीत की नींव रखी थी। रहाणे ने स्पोर्ट्स टुडे से कहा, मेरे लिए ये जरूरी है कि जब मैं रन बनाऊं तो टीम जीत हासिल करे। मुझे लगता है कि वो पारी मेरे लिए वास्तव में कुछ खास है। मेरे लिए टेस्ट मैच और सीरीज जीतना उपलब्धियों के बजाय प्राथमिकता है, उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, मेलबर्न टेस्ट शतक वाकई खास था। मैंने मेलबर्न में कहा कि लॉर्ड्स का शतक मेरे लिए सबसे खास है, लेकिन कई लोगों ने मुझे बताया कि मेलबर्न की शतकीय पारी लॉर्ड्स से बेहतर थी। रहाणे ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ एडिलेड टेस्ट मैच के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए। मेलबर्न टेस्ट सीरीज के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था, और हाँ, मुझे लगा कि मेलबर्न की पारी वास्तव में खास थी। भारतीय टीम एडिलेड में टेस्ट की दूसरी पारी में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, और ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मैच जीतकर 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद कप्तान विराट कोहली पेटेंटी लीव पर स्वदेश लौट आए थे। उनकी गैर मौजूदगी में रहाणे ने शतकीय पारी खेलकर टीम का शानदार नेतृत्व किया। बता दें, आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने पूरी तरह से कंगारू टीम पर अपना शिकंजा कसे रखा, और खेल के आखिरी दिन ऋषभ पंत की नाबाद 89 रनों की पारी की मदद से इतिहास रचते हुए 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इस तरह से एक बार फिर से भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।